एवरीवन, वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयरॉन के बारे में। आखिर ये क्या होता है, काफ़ी बार इसके बारे में एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर आपको बताया जाए तो ये क्या होता है, ये एक अन्य विख्यात तारामंडल है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, हम सर्दियों के टाइम में, तो विंटर का टाइम होता है ना, तो विंटर में हम मिड नाइट में इसको देख पाते हैं, ठीक है, मध्य रात्रि में हम इसको देख पाते हैं। और ये आकाश में सर्वाधिक व्यय तारामंडल में गिना जाता है, इसको काउंट किया जाता है। इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। और जो आयरन होता है, इसे हम शिकारी भी कहते हैं। वाकई में शिकारी नहीं होता है, लेकिन जो इसकी शेप होती है ना, वो शिकारियों जैसी होती है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। इसके 3 मध्य तारों के, जैसे शिकारी की जो प्लेट है उसको हम क्या कहते हैं, निरूपित कहते हैं। अब निरूपित करते हैं तो उसके बाद जो 4 चमकीले तारे हैं, मतलब चतुर्भुज मतलब 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में एक तरीके से व्यवस्थित हमें दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला जो तारा होता है वो सीरियस होता है, मतलब ऑयरॉन के निकट ही दिखाई देता है। और जो सीरियस होता है ना, तो उसको ढूंढने के लिए ऑयरॉन के जो मध्य भाग में 3 तारे होते हैं, तारों से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसकी अगर आप कल्पना करते हैं, ठीक है, अगर आप इसकी ये जो रेखा जा रही है इससे अगर आप कल्पना करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, जैसे कि उनके बीच से जो भी गुजरने वाली रेखा है उसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखेंगे आप, तो आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा जिसे हम सीरियस बोलते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो कौन सा तारा हुआ, ये हुआ आपका सीरियस। आपको पता है कि उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल होता है, अब जिसे हम एक तरीके से कैसियोपिया बोलते हैं। ये सर्दियों में रात्रि, मतलब सर्दियों में क्या होता है, जो रात होती है ना, रात का जो प्रथम प्रह होता है उसमें ही हमें दिखाई देता है। अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी का जो, इंग्लिश का जो अक्षर होता है ना, जैसे कि आपका का बोला जाए तो W, ठीक, अंग्रेजी का अक्षर W हो गया, और या फिर आप बोल सकते हैं M, ठीक, तो या फिर आपका जो M होता है ना, तो उसके बिगड़े रूप में ये हमें दिखाई देता है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सौर परिवार के बारे में। वैसे तो सौर परिवार के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो सूर्य होता है ना, सूर्य तथा इसकी जो भी परिक्रमा करने वाले जो भी खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंडों से मिलकर एक परिवार बना होता है। इस परिवार को बहुत सारे पिंड होते हैं, बहुत से पिंड होते हैं इसमें, जैसे आपका ग्रह हो गया धूमकेतु हो गया, और आपका क्षुद्र ग्रह हो गया, और आपका बोला जाए तो जो भी उल्काएं वगैरह होती हैं, जैसे सूर्य है तथा इनके जो भी पिंड होते हैं, पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, उसके कारण से जो पिंड होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। सूर्य से जो भी दूरी होती है ना, सूर्य से दूरी के अनुसार जो भी इनके क्रम के अनुसार अगर मैं आपको ग्रह बताऊँ, तो आपका बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, और शनि होता है, और आपका यूरेनस होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और कुछ इसके पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं इसके बारे में। जैसे कि अगर आपको बताया जाए, जस्ट मिनट, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो 8 ग्रह मैंने आपको बताए, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पुट अप किए जाते हैं, जैसे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है, और सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। अगर बोला जाए कि, अगर क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि सबसे जो भी चमकीला ग्रह होता है तो वो कौन सा होता है, तो वो आपका शुक्र होता है, ठीक है। तो इस बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को नोटिस कर लेनी है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका सौरमंडल का, जैसे कि लाल ग्रह है, तो लाल ग्रह किसको बोला जाता है, मंगल को बोला जाता है। सौरमंडल का नीला ग्रह किसको बोला जाता है, वो हमारी खुद की ही पृथ्वी होती है, वो ब्लू होती है ना। अब उसको जैसे कि ब्लू ग्रह हो गया, तो ब्लू ग्रह हम किसको बोल रहे हैं, पृथ्वी को बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। अब जैसे कि अगर बोला जाए कि जो भी, अगर सूर्य है, सूर्य के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि सूर्य सबसे निकटतम तारा है, ठीक है।
अब जो भी लगभग अगर बोला जाए आपका, लगभग जो भी समस्त ऊर्जा का स्रोत किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। वास्तव में जो भी सभी ग्रह हैं, ग्रह जैसे ऊष्मा तथा प्रकाश की जो ऊर्जा का ग्रह, सूर्य को ही माना जाता है। अगर ग्रह के बारे में बात करें कि ग्रह क्या होता है, तो आपको पता चलेगा ग्रह मतलब जो भी ग्रह तारों के भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में ऐसा कोई भी प्रकाश नहीं होता है। सॉरी। तो आपको पता है कि जो भी ग्रह होता है ना, वो तारों के भांति हमें प्रतीत तो होते हैं, परंतु उनमें से कोई भी ग्रह प्रकाश नहीं होता है। ग्रह का अपना, जैसे कि तारों में अंतर करने की जो भी समतल वेदी है, समतल विधि कहने का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि जो तारे होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है, ग्रह का कोई भी प्रकाश नहीं होता है। प्रत्येक ग्रह एक निर्दिष्ट पथ पे सूर्य की परिक्रमा करता है और इस पथ को ही एक तरीके से कक्षा हम बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी ग्रह के द्वारा जो भी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय जो होता है, जो भी टाइम होता है, उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल हम उसे बोलते हैं। होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे शुक्र के बारे में, तो आखिर शुक्र क्या होता है? तो आपको पता है शुक्र के बारे में, जो भी पृथ्वी है, पृथ्वी का निकटन ग्रह हम किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो शुक्र होता है ना, पूर्वी आकाश से, मतलब जो भी सूर्योदय होता है, तब सूर्य का उदय होता है, तो ये हमें पूर्व में दिखाई दे जाता है, लेकिन सूर्य अस्त के बाद ये हमें पश्चिम आकाश में दिखाई देता है। ये यहाँ पर आपको समझ लेना है। अगर हम बात करें यहाँ पर पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ही एक सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। मतलब पृथ्वी पे जीवन का जो विद्यमान होने के, जैसे कि चारों तरफ पर्यावरण भी है, इसमें वायुमंडल भी है, जल भी है, सब कुछ इस पे है, ठीक है। और किसी ग्रह में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है काफ़ी अच्छे से। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पर्यावरण अवस्थाएं भी उत्तरदायी हैं इसमें, और जो सूर्य की उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी का सही ताप परस्पर रहे, मतलब ताप भी एक तरीके से काफ़ी नियंत्रण उस पर रहता है, जल की उपस्थिति है, उपयुक्त वायुमंडल में ओजोन का आवरण भी बना रह सके। तो इसमें काफ़ी कुछ इसमें रहता है, ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के लंबवत नहीं है, इसका अपने अक्ष पे झुकाव पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, क्या है? चंद्रमा। होप आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मंगल के बारे में। अगर इसको टॉपिक इतने सारे मैंने आपको बताया, और सबसे मोस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, जैसे कि सबसे छोटा ग्रह वो दो गया, सबसे चमकीला ग्रह क्या होता है? शुक्र होता है, मतलब जो भी शुक्र होता है सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, और जो भी सबसे लाल ग्रह माना जाता है मंगल को माना जाता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे से। अगर आप एनसीईआरटी में काफ़ी इजीली पढ़ लेते हैं ना, काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड बुक में काफ़ी इजीली समझ आएगा। और अगर माना जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन ज्योग्राफी में इससे पुटअप किए जाते हैं, मंगल के बारे में कौन सा ग्रह कौन सा होता है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी नॉलेज काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। तो भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी करिए। तो भी डाउट रहता है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।